कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम महेशन और मैं अभी रिसेंटली आगरा में ही रहता हूँ, और अपने बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस से पहले मैं क्या था, बिफोर सेफ शॉप, और अभी सेफ शॉप के बाद क्या हूँ। तो सबसे पहले मैं इटावा के पास, एक जसवंत नगर है, वहाँ के हमारे पूर्वज पिताजी वहाँ के रहने वाले हैं और मैं भी वहीं रहता था। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते थे, कपड़े सिलते थे, और मैं पढ़ाई करने जाता था, लेकिन गरीबी होने के कारण मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था। जब मैं 12-13 साल का था, जब से ही मैंने काम किया है, हमारे आसपास खेत रहते थे, तो किसी के खेतों में काम करने जाते थे, तो हमको अठाना, कभी चवन्नी, जैसा भी मजदूरी मिलती थी, आलू खोदना, किसी के खेत में निराई गुड़ाई करना, ऐसे रहता था। फिर मैं और बड़ा हुआ, पिताजी फिर मेरे को कहीं नहीं जाने देते, अपने साथ में ही हाथ बटाते थे, कभी जेब में पॉकेट लगा लो पैंट की, कभी कोई कपड़े का नाड़ा सिल लो, काज बनाओ, बटन लगाओ, क्योंकि अगर मैं फालतू, मेरे को छोड़ेंगे स्कूल से आने के बाद, तो मैं लोगों के साथ खेलूंगा, और खेल खेल में तो आप जानते ही हैं कि कभी कभी बच्चों में आपस में झगड़े भी हो जाते हैं। हमारे ऐसे परिवार की स्थिति नहीं थी कि हमारा परिवार किसी से झगड़ा कर सके। तो मैं काम तो सीख गया, लेकिन आज तक मैंने कभी कोई खेल ही नहीं खेला। जैसे बच्चे खेलते हैं गुल्ली डंडा, मैं कभी नहीं खेला। बच्चे खेलते हैं कबड्डी, मैं कभी नहीं खेला। बच्चे गेंद से खेलते हैं, मैं कभी नहीं खेला। बच्चे छुपा छुपी खेलते हैं, मैं कभी नहीं खेला। मेरी लाइफ में कोई खेल नहीं आया, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी लाइफ में काम दिया, और वो कहीं ना कहीं आज मेरे काम भी है, भी आया। बस काम करता रहा तो काम सीख गया, लेकिन मैं देखता था कि मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं, और बहुत मेहनत करने के बाद भी कभी कभी ऐसा कोई मौका आ जाता है कि हम परेशानी रहते हैं, हमारा कोई ना कोई काम हो नहीं पाता। कभी कोई हारी बीमारी हो जाए तो घर में व्यवस्था नहीं हो पाती, उधार लाना पड़ता था। कभी कभी काम नहीं चलता था, उस समय भी उधार ला के व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो मैं देखता था मेरे पिताजी इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमको पैसा बच नहीं पाता है। और हमारे पिताजी जो सिलाई करते थे, तो दूसरे की दुकान पर करते थे, मैं देखता था कि आधे पैसे वो रखते हैं और आधे पैसे इनको देते। मेरे दिमाग में एक बात थी, मैंने कि जब भी मैं काम करूंगा तो अपनी शॉप खोलूंगा। तो जैसे ही हाई स्कूल के बाद मेरी शादी भी हुई, खर्चा भी बढ़ा, तो पिताजी बोले भाई तुम्हें भी खिलाएं, तुम्हारे बच्चों को भी खिलाएं, कुछ तो करो। तो उनका मतलब था मैं भी कारीगरी करूं, लेकिन मैंने कारीगरी नहीं की। मैंने जो मेरे को शादी में मशीन मिली थी, उसी मशीन को ले गए, मैंने एक दुकान ले ली किराए पे। किराए पे दुकान ली, और काम तो मैं अच्छा करता ही था और पैसा कम लेता था, तो धीमे धीमे मेरी दुकान चल गई। और दुकान मैंने फिरोजाबाद शहर में खोली, अपने यहाँ से करीब 60-65 किलो दूर फिरोजाबाद शहर है, जसवंत नगर से, वहां दुकान खोली। 3 साल मैंने बहुत अच्छे से दुकान चलाई, पैसा भी अच्छा कमाया। उस समय 250-300 रुपये रोज कमाते थे, और उस समय के 250-300 रुपये बहुत ज्यादा थे, सन 90 की बात है। हाई स्कूल मैंने 1986 में किया था, और दुकान चलती रही चलती रही, लेकिन ऊपर वाले कुछ और ही मंजूर था। मैं अपने आप को सोच रहा था कि मैं सही जगह सेट हो गया। उस समय जो रेडीमेड का जमाना नहीं था, लोग मास्टर साहब को ज्यादा पूछते थे, तो मैं बहुत खुश था। लेकिन एक ऐसी हवा आई, एक ऐसी आंधी आई, तो वहां पर 1996 में मेरे साथ कोई घटना घट गई, और उस घटना को मैं झेल नहीं पाया, तो वहां से मेरे को छोड़ना पड़ा, और पूरी तरह से बर्बाद हो गया था उस समय। कहते नहीं है, मतलब ऊपर वाला, मेरे को तो जब समझ में आई, उस समय तो मैं ऊपर वाले को कोस रहा था कहीं ना कहीं, और मैंने कि मेरे साथ ऐसा हो गया। अभी समझ में आती है कि ऊपर वाला जिसको ज्यादा उठाना चाहता है, उसको ज्यादा प्रेशर भी देता है। गुरु लोगों के माध्यम से मैंने सुना था कि स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाया जाएगा, और जैसे ही मौका मिलेगा तो उतना ही ऊंचा जाएगी।
आप समझ में आता है। तो मेरे को उस समय ऊपर वाले ने तबीयत से दबाया और मैं बहुत कोशिश किया वहां पर अपना पैर जमाने के, लेकिन जमा नहीं पाया और वहां से उखड़ गया मैं, तितर बितर हो गया। एक साल मारा मारा भटका, लेकिन फिर मेरे को आगरा में एक जगह रिश्तेदार के माध्यम से मिली। तो एक मेरे पास कैंची थी, एक थैला था, एक जोड़ी कपड़ा पहने था और मैं आगरा आया। जिस काम के लिए आगरा आया था वो काम नहीं हुआ, हार थक्के में बैठ गया। मैंने चलो कोई बात नहीं, अब मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं। बच्चे साथ में थे तो व्यवस्था बनाई और अपना काम चालू कर लिया। मेहनती तो मैं था ही, काम करते 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 यहाँ पे भी मेरा काम जम गया। फिर मेरी दाल रोटी बढ़िया से चलने लगी, मैंने कहा मैं सही सेट हो गया। लेकिन फिर एक हवा आई, उस समय हवा ऐसी आई रेडीमेड कपड़े की, और रेडीमेड कपड़ों की मेरी दुकानदारी कम हो गई। लोग तो सिले हुए कपड़े लाते थे, और पहले उससे पहले क्या रहता था, दीपावली में बहुत अच्छा काम चलता था, रात दिन में काम करता था, रक्षाबंधन में बहुत काम, और वैसे तो काम होता ही था। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि जो भी कपड़ा ला रहा है वो मेरे से बोला, सर इसको, वो मास्टर साहब, इस कपड़े को थोड़ा छोटा कर दो। कितने पैसे लोगे? मैं भाई इसके तो 10 रुपए लगेंगे। कभी कभी कोई लोग आते बोले, सर इसकी जिप खराब हो गई, नहीं डाल दो, 15 रुपए लगेंगे। नए कपड़े आना बंद हो गए और वही कपड़ों को मतलब रिपेयर करना, क्योंकि लोग सिले हुए खरीदने लगे। अब सिले हुए खरीदने लगे तो पहले जैसा काम नहीं रहा और प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई, घर में खर्चे की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। अब मैं सोचा क्या करूं, दूसरा कोई काम जानता नहीं, क्या करें। कुछ दिन मैंने यहाँ मजदूरी की, जैसे कि मकान बनाते हैं तो उसमें सीमेंट का मसाला वगैरह बनाना पड़ता, आता तो नहीं था लेकिन वो लोग बताते थे इतना तसाला चंबल डाल लो और एक तसला सीमेंट डाल लो, वो काम भी किया। कभी कभी वो काम नहीं रहता था तो किसी पेंटर के साथ चले गए, उन्होंने कहा दीवार पर रेगमाल लगा दो, चिकना कर दो इसको, तो 60 रुपये देता था, वो काम भी किया। लेकिन वो काम मेरे को भाता नहीं था, मजबूरी में करता था, क्योंकि आदमी जिस काम को जानता है ना उसी काम को करने में मजा आता है, और वो काम मैं जानता नहीं था तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी और मैं थक जाता था बहुत। इतनी मेहनत कभी की नहीं, क्योंकि अपने काम में मेरे को मेहनत तो थी लेकिन मेरे को मेहनत लगती नहीं थी, और उस काम में मेहनत लगती थी। तो मैं ऊपर वाले सोचता था कि कहीं ना कहीं मेरा यही काम सेट हो जाए, लेकिन हो सेट कैसे, कि रेडीमेड का जमाना आ गया। तो किसी ने मेरे को सलाह दी कि आप लोन ले लो, और लोन ले लोगे कपड़ा खुद का खरीद के और बना के नहीं सेल करो, बाजार से 10 रुपये कम दोगे आपका बिके। मैं सही है, लोन का फार्म भरा, लोन वाले भैया बोले 500 रुपये पहले लगेंगे। मैं ठीक है 500 रुपये देंगे, फिर उसके बाद में बोले इसकी जांच आएगी, एक साहब आएंगे वो आपकी देखेंगे कितनी मशीन है, कितनी जगह है, कितना कपड़ा चाहिए, कैसे क्या सेल करोगे। मैं ठीक है 1000 रुपये उनको भी दिए, चक्कर लगाते रहे हम। लेकिन कई महीने गुजर गए हमको लोन नहीं मिला, मैं बड़ा परेशान था। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से एक व्यक्ति आया, बोला भाई साहब ये मेरी पैंट शर्ट थोड़ी बड़ी है, इसको काट के छोटी करनी है। मैं ठीक है बहुत बड़ी, उसमें टाइम लगा 20-25 रुपये का काम था, लेकिन धन्यवाद देंगे प्रभु को, वही मेरे लिए एक लक्ष्मी थी एक तरह से, दरवाजा खटखटाया। तो उसने मेरे को बताया कि आप इतना मेहनत करते हो और आपका काम नहीं चल रहा, मैं आपको बढ़िया सी जानकारी दिलाता हूँ जिसकी वजह से आप 1,00,000 रुपये कमा सकते हो। तो मैंने, भैया मेरे को 1,00,000 रुपये नहीं चाहिए, क्योंकि 1,00,000 रुपया का 100-200 कमाने में मुश्किल पड़ रहा, 1,00,000 रुपये कहाँ से मिल सकते हैं, 1,00,000 रुपये नहीं मिलेंगे, कोई ना कोई जरूर पक्का गलत काम होगा और हम ठहरे परदेसी, तुम फंसा दोगे। हमारा तो यहाँ कोई बड़ा भाई भी नहीं है और पिताजी भी नहीं है, कोई पड़ोसी ऐसा कोई खास है नहीं जो हमारी कोई मदद करे, तो मैं लफड़े में नहीं पड़ा। लेकिन भगवान को धन्यवाद देंगे, सिस्टम में इतनी पावर है, सेफ शॉप के बंदे जो ट्रेनिंग इतने लिए हुए होते हैं कि जब किसी के पीछे पड़ जाए तो मतलब ही नहीं है छोड़ दें। कुछ लीडर तो बोलते हैं कि जब तक जुड़ नहीं जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो ऐसा ही उसका कुछ सिस्टम था। तो लगातार 3 महीने तक मेरे को टच करता रहा और मैं उससे परेशान हो रहा था जी, बार बार अगर वही बात बोलता तो मेरे को परेशान होती, मैंने कहा यार बार बार दिक्कत देता है। फिर बोला सर ऐसा है, आगरा में मीटिंग होती थी, एक बार तो मीटिंग अटेंड कर लो और उसके बाद नहीं करना। तो यही मैं चाह रहा था कि जी मेरा पीछा छोड़ दे,
नहीं करें। तो मैंने एक बार हाँ बोल दिया, बार बार के झंझट से एक बार हाँ बोल दिया और वहां चले गए। वहां जाके देखे कि सभी लोग सूट में टाई में, बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, कार वाले, गाड़ी वाले। मैं तो साइकिल से गया था, हमारे तो साइकिल ही थी। मीटिंग अटेंड की, अब पहुंच गए तो अटेंड तो कर ही लेते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा था मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे खासे लोग हैं, सूट वूट पहने हुए हैं। बाद में उसमें बताया गया था कि दो लोगों को ज्वाइन कराना है, तो वो मैं सोच रहा था ये तो मैं करा ही दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कस्टमर आते हैं कपड़े सिलवाने, तो मैं करा ही दूंगा। लेकिन लास्ट में टेस्ट मनी हुई, तो टेस्ट मनी बताते हैं लोग, मैंने यहां से इतने लाख रुपए कमाए। मैंने क्या पता सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति बोला मैंने यहां से कार भी खरीदी है, लाखों रुपया भी कमाया है, विदेश भी गया। तो मैंने एक सीधे साधे से व्यक्ति थे उनसे पूछा मैंने कि आपने इतने पैसे कमाए हैं तो इसका प्रूफ कैसे दोगे। तो उस समय उनके पास चेक की फोटोस्टेट थी, चेक की फोटोस्टेट थी, तो मैंने चेक देखे, उससे मेरा विश्वास बढ़ा। उनने कार की चाबी दिखाई, उसको देख के मेरा विश्वास बढ़ा। तो मैंने कि ठीक है चलो शुरुआत करते हैं। उस समय फॉर्म वगैरह भरा जाता था, फॉर्म वगैरह भर दिया, लेकिन मैं जोश में ये भूल गया कि इसमें 7-8 हजार रुपए का सामान भी खरीदा जाए। अभी दूसरे दिन सर लोग फॉलोअप करने घर आ गए, बोले भाई जी कैसा, मैंने बहुत बढ़िया। तो बोले चलो डीडी जमा कराओ। अभी डीडी का तो मैं मतलब ही नहीं समझता था, डीडी होता क्या है। तो बोले इसमें सामान खरीदना है। तो मैंने सर सामान खरीदने की व्यवस्था नहीं है। बोले एक बार खरीदना है जिंदगी में, एक ही बार खरीदना है आपको। मैंने सर व्यवस्था नहीं है, एक काम करो, मैंने वैसी फॉर्मेलिटी सब पूरी करी दी, जो पैसा अगर आप लगा दो आप खरीद लो, लेकिन जो दो लोगों की बात है वो मैं कर दूंगा, बाकी का जितना भी काम है मेहनत में पीछे नहीं हटूंगा, आप करो। तो आप लोग भी ऐसे ही बोलते होंगे, मैंने भी ऐसे ही बोल दिया, लेकिन सेफ शॉप के सिपाही तो अच्छे से समझा देते हैं, ट्रेनिंग लिए होते हैं। तो बोले महेश जी अगर अमीर आपको बनना है ना, अगर आपको कुछ बनना है तो वो सहना भी आप ही को पड़ेगा। उन्होंने मेरे को उदाहरण दिया था कि किसी को लेडीज को अगर बच्चा चाहिए उसको माँ बनना है, यही वाला उदाहरण दिया था, माँ बनना है तो दर्द किसको सहना है, पड़ोसी को या साथ वालों को, मैंने खुद को सहना है ना, ऐसा ना बताया। हाँ तो मैंने खुद ही को सहना है। तो बोले अगर आप दर्द नहीं सहेंगे ना तो आप नकली माँ बनेंगे, सही है, और जो दर्द सहेगा वो असली माँ बनेगा। तो असली बनना चाहते हैं कि नकली बनना चाहते हैं? सर असली बनना चाहते हैं। तो बोले दर्द भी आपको ही सहना है, व्यवस्था भी आप ही को करनी है। तो मैं चलो ठीक है व्यवस्था करते हैं। अभी मेरे को ध्यान आया मैं कहाँ कहाँ से पैसे लाता था, उन्हीं के पास गया। अब जिनके पास मैंने पैसा मांगा, तो इतना पैसा तो मैंने कभी उधर मांगा नहीं था, जब भी मांगता था 2000, 1000, 2000 ऐसे ही मांगता था। लेकिन मैंने उस दिन उनको 10,000 मांगे, तो वो भी चक्कर पड़ गया, मास्टर को हो गया क्या, है ना, इतने पैसे का क्या करेगा मास्टर। तो मैंने कि नहीं मेरे को बहुत इमरजेंसी है, और आप कैसे भी करें करवा दो यार, हर बार तो करा ही देते हो लेकिन इस बार भी करा दो। तो बोले ठीक है मेरे पास नहीं है, मैं कहीं और से व्यवस्था कराता हूँ। और जब कहीं और से व्यवस्था करा के एक घंटे में वो आए, तो बोले मास्टर पैसे तो कहीं मिल नहीं रहे, और एक जगह मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं 10% पर। अभी तो बता 10% की ब्याज दे तो मैं लेके आऊँ। तो मैं चुप पड़ गया, मैंने कि वैसे 5 पे मिलते थे, अभी 10 पे मिल रहे हैं, कैसे चुकेंगे, काम धंधा तो इतना रहता नहीं है। लेकिन मेरे को प्लान में एक बात ठूस के दिमाग में घुस गई थी, 1% वाली। प्लान में बताया था कि अगर 1% कोई भी काम करता है तो साल में 40,000 रुपये आएंगे उसके पास। और मैंने ये दिमाग में बिठाया था, मैंने हिसाब लगाया मन ही मन, अगर ये मेरे से 1,000 रुपये महीना ब्याज लेगा, और 12 महीने में अगर मैंने 12,000 दे दिए और 10,000 इसकी मूर, तो 22,000 हो जाएंगे। लेकिन मैं कितना भी कम काम करूंगा 1% तो जरूर करूंगा, और 12,000 रुपये, 12, 10, 22 और 40,000 रुपये आएंगे। तो 22 देने के बाद में मेरे पास 18,000 रुपये बचेगा, इसका मतलब मेरे को 1,500 रुपये महीने की इनकम सेट हो रही है। ये मेरे दिमाग में बात आई, तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया, और हाँ बोल के पैसे ले लिए, पैसे लेके आए। अभी बोले लाओ हमें दो, मैंने भैया ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे, इस पैसे को कहाँ जमा करना है मुझे बताओ, मैं साथ चलूंगा। बोले नहीं नहीं हम करा देंगे। मैंने नहीं नहीं ऐसे नहीं देंगे, क्योंकि हम तो आपको इतने ज्यादा जानते नहीं, आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या है, कुछ नहीं, आप तो हमारे कस्टमर ही तो थे, है ना, इतना ही तो जानते हैं। तो बोले चलो ठीक है। मैं साइकिल लेके गया, बैंक पहुंचे, बैंक में बताया
कि अकाउंट से डीडी बनेगा, तुम्हारा तो अकाउंट ही नहीं था, डीडी कहाँ से बने, अकाउंट की अभी कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो हमारे पास पैसा ही नहीं रहता था जो अकाउंट खुलवाए बैंक में जमा करें। तो सीनियर बोले नहीं नहीं मेरा अकाउंट है, चलो वहां से करवाते हैं। तो आगरा कैंट जाना पड़ा, आगरा कैंट गए, उन्होंने पैसा अपने खाते में जमा किया, डीडी बनवाया, कोरियर हो गया। कोरियर करने के बाद अभी काम रह जाता है अपने दो लोगों को ज्वाइन कराना। अच्छा, उससे पहले क्या था कि लोग वहां बोल रहे थे कि अब लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, है ना, मैंने इतना कमा लिया, किसी ने 10 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 1 लाख, ऐसे बता रहे थे। तो मैं सोच रहा था उसमें बैठा बैठा, मेरे को अगर 2000 रुपया महीना भी मिलेगा तो मैं आप जी जान लगा लूंगा, क्योंकि मेरे को लगा कि दो, हमने कभी पैसा अपने काम से बचा नहीं पाया, जितना कमाते थे उतना खर्च हो जाता था खाने पीने में, और कभी बचता नहीं था। तो मैं सोचा अपने काम में दाल रोटी खाऊंगा, इस काम से मैं पैसा बचाऊंगा, और महीने के अगर मैंने 2000 भी कमाए तो आने वाले 4-5 साल में मैं लखपति जरूर बन जाऊंगा। लखपतियों का नाम सुनता था पहले मैं, फला लखपति फला लखपति, तो मेरे दिमाग में थी कि हम भी यहाँ पे लखपति बन सकते हैं। और डीडी जमा हो गई, कोरियर हो गया, अभी काम चालू होता है दो लोगों को जोड़ने वाला। अब मैं लोगों को बता रहा हूं तो लोग, जो सबके साथ होता वही मेरे साथ हुआ, कोई मेरा लॉटरी का टिकट नहीं लगा यहाँ पे। लोगों को बताता था सर ऐसे ऐसे करके प्लान है, ऐसे ऐसे करके तुम्हें एक सामान लेना है और यहाँ पर टीम बनाओ तो आपको पैसा मिलेगा। तो लोग बताते थे, अच्छा आपको पैसा मिला, आपका चेक आया? तो मैं बोला मेरा तो अभी नहीं आया, मैं बता देता मेरा तो नहीं आया। तो बोला जब आपका चेक आया तो मेरे को बताना। फिर मैं दूसरे पड़ोसी को बताता था, तीसरे को बताता था, चौथे को बताता था, मैं बताते बताते थक गया, 8-10 दिन हो गए, मेरा कोई भी पड़ोसी नहीं जुड़ा। कस्टमर आते थे उनको बताता था, भाई साहब नाप ले रहा हूँ पैंट शर्ट का, है ना, शर्ट की लंबाई नाप रहा हूँ, कमर की लंबाई नाप रहा हूँ, लेकिन लोग बोलते थे मास्टर साहब कपड़े खराब नहीं हो जाए, तो उन्हें पता था 26 का 29 लिख दिया तो लंबाई बढ़ा देगा, है ना, 29 का 26 लिख दिया तो कपड़ा छोटा हो जाएगा, तो कपड़े के पैसे ले लूंगा, ऐसे बोलते थे। मैंने कहा नहीं कपड़े खराब नहीं होंगे, लेकिन मेरे धीरे धीरे कस्टमर कम हो गए, तो वो लोग सोचते थे कि मास्टर का ध्यान कहीं दूसरी जगह है, इधर काम भी कम हो गया, इधर लोग भी नहीं जुड़े। लेकिन मैं वहां जाता था लोगों को बताने के लिए, कोई जुड़ नहीं रहा था। फिर मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया, उनमें से भी कोई नहीं जुड़ा। लेकिन रिश्तेदारों को बताने में गया, एक बार ट्रेनिंग भी अटेंड की, और ट्रेनिंग बताया गया था कि आप ड्रेस कोड में आया करो। पहले ड्रेस कोड का ज्यादा मैं समझता नहीं था, तो ड्रेस कोड में बस वही काले जूते और एक मैंने 50 रुपए की टाई ली। तो जब मैं साइकिल से जाता था तो लोग हंसते थे, क्योंकि सूट पहन के अगर साइकिल पर कोई टाई लगा के जाएगा तो कहीं ना कहीं लोग मजाक समझते, मतलब मजाक मतलब हंसते हैं। तो पहले तो मेरे को ऐसा लगता था कि जे किसी और को देख के हंस रहे हैं, लेकिन पीछे देखता था कोई नहीं था, तो बाद में मेरे को लगता था जे तो मुझे कोई देख के हंस रहे। और मीटिंग में मैं जाके अपने महागुरी माधव सर को बताता था कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो बोलते थे एक ही बात बोलते, शाबाश टाइगर बहुत बढ़िया लगे रहो, सर कोई जोड़ नहीं रहा, शाबाश टाइगर लगे रहो, मतलब हर बात पे ऐसी शाबाशी देते थे, बोले लगे रहो लगे रहो। लेकिन इतना कह के वो दूसरों से भी बात करते थे, लेकिन मैं बोलता था बात एक भी ढंग से सुनते नहीं है, मेरा काम हो नहीं पा रहा, लोग कोई जुड़ नहीं रहे, उधर मेरी दुकानदारी ठप हो गई, और ये बोल रहे हैं शाबाश टाइगर लगे रहो, कोई तुक्का तो बनता नहीं, कैसे लगे रहे, चेक एक भी आया नहीं, ब्याज वाले का महीना हो गया होने वाला है, कैसे करें। मैंने कि मुझे लग रहा मैं फंस गया, उस समय मेरे को शुरुआत में लग रहा था कि मेरी लाइफ बन जाएगी, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे को लगा मैं फंस गया। तो मन ही मन उस बंदे को कोसने लगा जो मेरे को फंसा गया, और कुदरती बात यह है कि जो बंदा मेरे को जोड़ के गया वो आज तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया, शायद मैं तो समझता हूँ भगवान का भेजा हुआ बंदा था, जोड़ के चला गया, दोबारा नहीं आया, उसने नहीं बताया ट्रेनिंग कहाँ होती, उसने नहीं बताया प्लान कहाँ होता है। लेकिन मैं लगा रहा, माधव सर बोलते थे टूल्स लो, क्योंकि वैसे बताता था 5 मिनट में प्लान खत्म हो जाता था मेरा, तो फिर सर ने बताया कि फोल्डर से प्लान होगा, फोल्डर से प्लान देता था, फिर भी लोग नहीं जुड़ते थे। प्रगतिपथ किताब मैंने पढ़ी,
प्रगतिपथ किताब पढ़ी तो उसमें सवाल जवाब थे, लोग बोलते थे पैसा नहीं है, लोग बोलते थे टाइम नहीं है, है ना। तो उसमें मेरे को पता चला कि इन्हीं सवालों का जवाब देना अगर मैं सीख गया, सामने वाले को जवाब ही तो चाहिए। सामने वाला अगर मान के चलो जितना भी बोल रहा है, अगर आप उससे 10 मिनट ज्यादा बोलोगे तो वो आपकी तरफ आ जाएगा, लेकिन सामने वाले से अगर 10 मिनट पहले आप चुप हो गए तो वो आपकी तरफ नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको नॉलेज होगी तभी तो आप उसको जोड़ पाएंगे, अगर नॉलेज नहीं होगी तो कैसे जोड़ पाएंगे। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था, उस समय कौन बनेगा करोड़पति चलता था, तो बोलते थे मैं जी एक बात बताओ कि कौन बनेगा करोड़पति आपने देखा है? मैं सर हाँ देखा है। तो उसमें 13 सवाल होते हैं, अगर उन सवालों के आप जवाब देते हैं तो आपको पैसा मिलता कि नहीं मिलता। पहला सवाल है ना कि ताजमहल कहाँ है, आप जीत गए इतने रुपए। दूसरा सवाल हिंदुस्तान की राजधानी कहाँ है, आप जीत के इतने रुपए। लेकिन चौथा पांचवा सवाल क्या इतना आसानी से दे देते हैं? नहीं दे पाते, तो फिर क्या है, पैसा नहीं मिलता और उतना ही मिलके हट जाते हैं। लेकिन वो 13वां सवाल अगर आपके पास पहले से ही मौजूद हो और आपको पता हो ये क्या पूछेगा, तो जब भी वो पूछने वाला होगा तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी कि नहीं होगी, आपको पता है ये क्या पूछेगा और आप उसका फटाक से जवाब दे देंगे। फिर अगला सवाल भी आपको पता है ये क्या पूछेगा, उसका भी फटाक से जवाब दे देंगे, है ना। तो वहां तो केवल 13 सवाल हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर 4-10 सवाल है, लेकिन आंसर 60 सवाल से भी ज्यादा के हैं। तो इन सवालों का अगर आप उत्तर पता हो, उसमें यही पूछेगा पैसा नहीं है, मैं दो नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, कंपनी भाग गई तो, है ना, ऐसे कुछ सवाल है। तो इन सवालों का अगर आपके पास आंसर होंगे तो यहाँ पर आप हर आदमी को जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते? मैं सर बिल्कुल जरूर जोड़ सकते हैं। तो प्रगति पथ का मैंने सहारा लिया, पूरा भरपूर फायदा उठाया, और उससे पहले मैंने अपने लोगों को बताया था तो वो कोई नहीं जुड़े, और बता बता के थक भी गया था। एक बार की बात है कि मैंने सोचा कोई जुड़ ही नहीं रहा, तो मैंने कोई बात नहीं कमा कमा के चुकाएंगे, और अपनी दुकान खोल ली मैंने। और जब दुकान खोली तो उसी समय वो पैसे जिस समय लेके आया था उस बंदे ने, मैंने उससे नमस्कार करी और मेरे को याद आया यार अभी तो इसने नमस्कार किया है, कल को अगर मान के चलो पैसा टाइम पर नहीं दूंगा तो यही बंदा मेरे को उल्टा सीधा बोलेगा। तो इससे बढ़िया ये उल्टा सीधा बोले, इससे बढ़िया तो मैं प्लान दिखाने चला जाता, और वो कोई प्लान देखे ना देखे मैं प्लान दिखाने जाने लगा, और मैं हर व्यक्ति को प्लान दिखाने जिससे मेरी नजर मिल जाती मैं कोशिश करता उससे बात करने की। तो अपने लोग तो कोई नहीं जुड़े, तो शुरुआत में चाय की एक बंदे को प्लान दिखाया, वो जुड़ भी गया, और उसने बोला था कि मेरे वहां आ जाना, वहां पर लेबर बहुत सारी है और ऐसे ऐसे करके वहां पर उनको प्लान दिखा के उनको जोड़ेंगे। तो मैं चला गया, लेकिन वहां जाके किसी ने उसको भर दिया, मना कर दिया, नेगेटिव कर दिया, और नेगेटिव किया तो जो है वो फोन ही नहीं उठाए। लेकिन हम इतनी दूर गए थे कि लौट के कैसे आए, तो वहां प्लान दिखाया दिखा नहीं पाया। लेकिन जब लौट के आने लगे 2-3 घंटे के बाद में, तो अचानक से एक बंदे आए जो पेंट्री करते थे, और पेंट्री करते थे बोले भाई हमें बताओ क्या बात क्या काम है। तो हमने उनको प्लान बताया, प्लान उनको समझ में आया, फिर दूसरे दिन हमने उनको बेनू पे बुलाया, कुछ बेनू पे समझ में आया। तो परदेसी थे, गोरखपुर के रहने वाले थे, और व्यवस्था तो उनके पास भी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं से उन्होंने व्यवस्था करके जोड़े। कहते नहीं ढूंढते हैं तो सब कुछ मिलता है, और मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती। मैं कई बहुत समय से मेहनत कर रहा था तो लगातार काम हो नहीं पा रहा था, लेकिन अचानक से मेरे को परशुराम जी मिले जो आज इस बिजनेस में बहुत बड़े अच्छे मुकाम पे हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए, क्योंकि जब काम कर रहा था तब हो नहीं रहा था, है ना, मतलब काम तो हो रहा था मगर हमको नहीं लग रहा था कि काम हो रहा है। सर लोग उदाहरण देते थे कि जब बीज जमीन में बोते हैं तो ऊपर नहीं आता, पहले वो नीचे जाता है, नीचे से मजबूती हो जाती है तब वो ऊपर जाता है। तो ऐसे ही मेरे को लग रहा था काम हो नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा वहां तक पहुंचने का वो प्रोसेस था। अगर मैं घर से ही नहीं निकलता तो वहां तक कैसे पहुंचता। कभी कभी क्या होता है कि लीडर फोन करता है कि सर मैं आ जाऊं कि नहीं आ जाऊं, है ना, अभी वो बंदा बोलते नहीं नहीं आओ, कोई बात नहीं मैं बिजी हूं मैं बाहर हूं, तो नहीं जाता। लेकिन नहीं जाना है, क्या पता उसके पास जाने से रास्ते में कोई मिल जाए, है ना। तो ऐसे ही मिले, ऐसे ही मेरे को एक बार मैं फिरोजाबाद गया अपने बहनू जी के पास, और वहां जब मैंने टाई वाई पहन गया था तो बच्चे बोले अरे मामा क्या हो गया। मैंने कुछ नहीं ऐसे एक काम कर लिया है।
तो बहन जी हमारी समझ गए जी किसी कंपनी में ज्वाइन है, तो उनको पहले से फोन कर दिया कि वो आए महेश, और वो शाम को फिर क्या घर ही नहीं आए। मैंने उसको पूछा शाम को कितने बजे आते हो, तो शाम को बोले ठीक है आ जाएंगे 8-9 बजे, लेकिन मैं 8-9 बजे तक जगा वो घर ही नहीं आए, 10 बजे करीब मैं सो गया। और सवेरे मेरी जब 6 बजे आँख खुली, मैंने कहा कितने बजे आए, बोले आए तो थे लेकिन आज जल्दी चले गए। अरे मैंने कि मैं इतनी आगरा से इतनी दूर से आया और सुना ही नहीं उनने कुछ, तो मैं थोड़ा सा अंदर से नाराज हुआ और वहां से नाराज होकर निकला। लेकिन मेरे को एक बात ठोक के दिमाग घुसी थी कि मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जैसे घर से बाहर निकला बैग टांग के जा रहा था, रास्ते में एक बंदा मिला और बोला भाई साहब क्या बेच रहे हो, तो मैंने मुड़कर देखा, मैंने भाई साहब बेच तो मैं कुछ नहीं रहा लेकिन ऐसी जानकारी है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। उस बंदे के दिमाग में ये वाली बात चली गई और वो मजाक में बोला जिंदगी कहाँ पे बदली जाएगी, मैंने यहाँ पर एक होटल है और पास में यहाँ पे इसकी जानकारी दी जा रही है आप चलो। बोला पैसे तो नहीं लगे, मैंने बिल्कुल नहीं लगे। वो साइकिल पे था, उसने साइकिल घुमाई, आगे साइकिल वो चला रहा, पीछे मैं कूद के बैठ गया और दोनों जने प्लान दिखाए। शुरुआत में पैसे उनके पास भी नहीं थे, मेरे को ऐसे बंदे मिले जैसा मैं था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे और ऐसे बंदे मुझे मिले ऐसे उनके पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं से मम्मी की झुमकी वगैरह गिरवी रख रखोगे वो ज्वाइन किया और वो उन्होंने भी काफी मेहनत की। और वो कोई और नहीं, इस बिजनेस में आज ट्रिपल डायमंड मिस्टर सुनील कुमार, उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। अभी हम लोग काम कर रहे हैं तो काम तुरंत होता नहीं है ना, मगर लगे रहे आसपास आगरा का क्षेत्र, फिरोजाबाद, सुकाबाद, इटावा, मैनपुरी, फरकाबाद, इधर कोशीकला, मथुरा, सब जगह लगे रहे, तो मेरे अच्छा काम चल रहा था, पैसा आया। तो शुरुआत में जब पैसा आया तो मैंने, सर ने बोला बाइक खरीदो, मैं साइकिल पे जाता था प्लान दिखाने, सर बोले बाइक खरीदो, तो बोला बाइक तो सर मैं चलाना जानता नहीं, तो बोले जो दिखता है वो बिकता है, लेनी है। तो मैं कुछ दिन तक घुमाता रहा और मैंने बाइक नहीं ली, तो सर बोले एक बार नहीं बाइक तो लेनी पड़ेगी, नहीं आपकी साइकिल जमा नहीं होगी। तो मैंने कहा अरे साइकिल जमा नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी, मैंने चलो बाइक ले ही लेते हैं। अब मैं बाइक खरीदने गया, बाइक मेरे को पसंद आई, अब बाइक का पेमेंट कर दिया। अब मैं बोला वहां पर मैनेजर से, मैंने साहब हमको घर छुड़वा दो, तो बोले यार घर नहीं देखा क्या आपने अपना, मैं देखा तो है लेकिन मैं बाइक चलाना नहीं जानता हूँ अभी। बोला अरे चलाना नहीं जानते, सीख लेते। तभी उसने अपने लेबर की छुट्टी होने वाली थी जो वहां पर कर्मचारी थे, तो उनसे बोला भाई इनको घर छुड़वा दो। तो बोले क्यों भाई, मेरी छुट्टी होने वाली है, मैंने भाई चलाना नहीं जानते। वो बोला अरे चलाना नहीं जानते तो आपने खरीद क्यों ली। अरे मैंने हमारा काम ही ऐसा भाई है ना, नहीं चलाना जानते फिर भी ले लिए, वो बंदा हमको बाइक छोड़ गया। तो जिंदगी में पहली बार हमारे परिवार में बाइक खरीदी गई और बाइक की हम लोगों ने बहुत खुशी मनाई, बाइक खरीद ली ऐसे मान लो हमने हेलीकॉप्टर खरीद लिया, तो बहुत खुशी हुई। काम चलता रहा, कुछ समय बाद चेप शॉप के माध्यम से और पोजीशन बढ़ी, कार भी खरीदी है ना, कार के खरीदी तो लोग तो सोच रहे थे अरे इनको कोई कंपनी ने गिफ्ट में दी होगी है ना, ऐसे सोच रहे थे, तो 3-4 दिन बाद कंपनी वाले ले जाएंगे, लेकिन भाई सेप शॉप से तो पैसे से खरीदी है तो फिर कहाँ जाएगी है ना, लगातार ऐसे ही पैसा आता रहा। तो मेरे को लगभग उस समय 25-30 हज़ार रुपये मतलब हफ्ते के यानी लगभग 1,00,000 रुपए से ऊपर के चेक आते थे, मस्त एकदम लाइफ कट रही थी बढ़िया। तो एक बार हमारे ग्रेवाल सर के लिए, माधव जी के लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि इनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो सर लोग बोले और टाइगर कैसा चल रहा है, मैंने सर बहुत बढ़िया चल रहा है। बोला कितना आ जाता है, मैंने इतना आ जाता है। तो बोले और नहीं चाहिए, मैंने बिल्कुल चाहिए। तो बोले कैसे आएगा, मैंने सर मैं मेहनत तो लगातार कर रहा हूँ। तो बोले काम को बाहर निकालो, तो बाहर का कोई लिंक ही नहीं बन रहा था। अब मैं हर जगह जहाँ टीम थी वहां में जाता था, बाहर का कोई लिंक बन नहीं रहा था, तो कैसे भी करे बोले बोलो, बोलने में बहुत पावर होती है, आप बोलना स्टार्ट करो, आप कहाँ कहाँ काम करना चाहते हो है ना, आप बोलो। तो मैं बोला मैं बम्बई में काम करना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में काम करना चाहता हूँ है ना, मैं महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में, केरला में, आंध्रा में, जितने भी स्टेटों के मेरे नाम याद आए उस समय सब जगह बोला। बोले ऐसे ही बोल, दबा के बोलो, हमें बोलने लग गया, बोलने की हैबिट हो गई। अचानक से क्या हुआ, एक टीम के बंदे का भाई फौज में था
और फौज में था उसको, वो घर आया था, उसको प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद जुड़ गया, और जुड़ने के बाद हमने उसको प्रगति पत्र वगैरह दे दी, फोल्डर खरीद कर दे दिया, और वो गांधीधाम था। तो हम उससे जब फोन करके पूछते तो और सब कैसा चल रहा है, बोले यहाँ पे नहीं जुड़ रहा कोई भी, ये सब बेकार है। अरे मैंने कहा तो हम आए फॉलोअप करने के, बोले नहीं, यहाँ मत आओ, ये नहीं चलेगा कुछ भी, अभी उसने मना कर दिया। लेकिन सर ने हमको बोला था, और हमारी तो एक हैबिट भी थी कि हमारा टीम में बंदा कहीं पे भी होगा हम उसकी मदद करने जरूर जाएंगे। आगरा से पहली बार हम लोग वहां गए गुजरात में, और गुजरात में जब पहुंचे उनके पास तो मैंने कहा यार जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो क्यों ना आप लोगों से मिलवा दो। तो शाम को जब उनने कुछ लोगों से मिलवाया तो उसका रिजल्ट दिखा तो खुश हो गए। उसी में से एक दो बंदे और थे, उनको भी अच्छा लगा, बोले भाई जुड़ तो हम भी जाएंगे लेकिन हमारी मदद कैसे करोगे, मैंने जैसे वहां से यहाँ है ऐसी आपकी मदद करेंगे, आपका घर कहाँ है? तो बोले हमारा घर है बंगाल। मैंने कोई बात नहीं, तो बोले लास्ट बॉर्डर पे भूटान के पास। अरे मैंने कोई बात नहीं, मुझसे ऐसे निकलता चला जा रहा। तो बोले ठीक है मैं परसों छुट्टी जा रहा हूँ, डीडी मेरी जमा कराओ। डीडी जमा कर दी और हम लोग गुजरात से ही सीधा बंगाल पहुंचे। हमको 3 दिन लगे वहां से पहुंचने में। अब बंगाल पहुंचे, अब मैं ठीक है अब मिलवाओ, तो हालात रास्ता में हालत खस्ता हो गई थी, लग ही नहीं रहा था हम लोग सेफ सबके एडवाइजर होंगे, ट्रेन से गए थे उस समय। लेकिन भैया से मैंने उनसे बोला, मैंने अपने भैया से बोला प्लान दिखवाए, बोले नहीं 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 काम चालू जब होगा जब भैया को समझा देंगे। तो भैया को हम समझा रहे हैं, भैया दिन में समझ जाते हैं और सवेरे फिर नेगेटिव हो जाते हैं, फिर दिन भर समझाते हैं फिर नेगेटिव हो जाते हैं। हम लोग परेशान हो गए, मैंने कहा यार कहाँ फंस गए, ये बंदे को रात में हाँ शाम तक हाँ बोल देता है, सवेरे फिर मना कर देता है। मैंने कहा इससे तो, मैंने कहा यार परेशान हो गए, परदेश में पड़े हुए हैं, शायद है कि हम लोग अगर रजिस्ट्रेशन करा के नहीं जाते तो जल्दी बाहर जाते। और 3 दिन तक लगातार फॉलोअप किया, लगातार फॉलोअप किया, लेकिन ऊपर वाली तरफ से रिजल्ट आएगा। 3रे दिन उन्होंने हाँ बोल दिया, और 3रे दिन अपनी ड्यूटी नहीं, अपनी ड्यूटी दी और अपनी फैमिली में से 3 ड्यूटी और दी। मैंने बहुत खुशी हुई, 3 दिन में 3 ड्यूटी आ गई। फिर मैंने बोला चलो लिस्ट बनाते हैं, अब प्लान दिखवाते हैं। बोला अभी लिस्ट नहीं, उनके परिवार में जितने भी नाते रिश्तेदार थे पहले उनको प्लान दिखाते हैं। तो करीब 150 लोगों की फैमिली थी, हम लोग लगातार 15 दिन तक वहां पर प्लान दिखाया। और जब वो वहां पर उनका इतना भरोसा था कि इनने ज्वाइन कर लिया तो बिजनेस सही होगा, तो सवाल जवाब सबसे ज्यादा वही करते थे। तो उनके माध्यम से सबसे पहले उनके रिश्तेदारों की टीम बनी, और रिश्तेदारों की टीम बनाने के बाद फिर उन्होंने अपने क्षेत्र में प्लान दिखाया। लेकिन हमने वो प्लान दिखाया उसमें हमने मेहनत जरूर की, और उसके बाद हमको वहां प्लान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज वहां उसी बंदे के माध्यम से 25,000 से ज्यादा की टीम हो गई, और उनका नाम अमित गजमेर और अमरीश गजमेर, उन दोनों भाइयों के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। इस बिजनेस से बहुत सारे ड्रीम भी पूरे हुए मेरे, पैसा आया, मैंने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी। पहले तो अपने आसपास ही प्रॉपर्टी खरीदी, कार तो आई गई थी, और फ्लैट भी खरीदा। हम फ्लैट के मामले में पहले जानते हैं फ्लैट क्या होता है, और देखते थे बिल्डिंगों को, देखते क्या खुश होते थे। इस बिजनेस के माध्यम से लगभग 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है। इस बिजनेस के माध्यम से पास में ही मार्केट में कॉमर्शियल एक प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ रुपए की ली मैंने। इस बिजनेस के माध्यम से करीब 12 प्रॉपर्टी मैंने खरीदी। एक गरीब आदमी, कहते हैं गरीबी से अमीर तक पहुंचने का बहुत बड़ी बात है। अपने क्षेत्र के सर बोलते थे अब अपने घर का टाटा बन जाते हैं, एक डायमंड हो जाता है। सर बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बोली बात मेरे को बहुत फली, और मैं अपने क्षेत्र में आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में मैं टाटा बन गया। यहाँ पर गुरु जी के लिए बहुत जोरदार ताली हो जाए। गुरु जी की एक बार मैंने स्पीच और सुनी थी, गुरु जी बोल रहे थे कि मेरे तीन तीन मकान का बिल आता है बिजली का। तो मैंने देखा मैं, हाँ इतना बिल आता है सर के पास, इतना इंटरेस्ट आता है, सर बता रहे थे अपने स्पीच में बिजनेस मीटिंग में, तो सर के पैंतरे पे मैं भी चला। तो आज ज्यादा तो नहीं लेकिन 50,000 से ज्यादा रेंट आता है मेरे पास, प्रॉपर्टियां जो ली हैं उसमें 50,000 से ज्यादा मेरा रेंट आता है। मतलब जिंदगी एकदम हसीन हो गई इस बिजनेस के माध्यम से। पूरे हिंदुस्तान में आज टीम है, पूरे हिंदुस्तान में, और इसका कारण एक ही है कि मेरी टीम में कहीं से भी कोई बंदा जुड़ता है तो मैं उससे मिलता जरूर हूं।
कहीं भी जाना पड़े, अभी भी मैं गुजरात से आया हूँ और नेक्स्ट अभी 3-4 दिवाली के 4-5 दिन बाद जो मेरी टिकट है फिर महाराष्ट्र की। हम लोग लगातार जोड़ी बना के काम कर रहे हैं। शुरू में मेरी जोड़ी उधर रवि जी के साथ थी, हमने उधर परशुराम की टीम को डेवलप किया, फिर हमारे महागुरु जी माधव सर ने उस टीम को संभाला, बहुत बड़ा किया है उसको, और अभी मैं सुनील जी के साथ में जोड़ी बना के काम कर रहा हूँ। जहाँ भी जाते हैं दोनों लोग जाते हैं, मेहनत कर रहे हैं, रूट लेवल पे कर रहे हैं। हम लोग कभी जो भी हमारा लेवल है हम कभी लेवल को साथ लेकर नहीं चलते, पता नहीं ऊपर वाले ने हमको जो गॉड गिफ्ट दिया है। एक बार हम जयगांव में थे तो जयगांव वालों को पता चल गया कि मैं डायमंड हूँ, तो लोगों को बोल रहे कि हमारे यहाँ डायमंड आ रहे हैं, हम आपके घर डायमंड लेके आएंगे, है ना, आप प्लान देखो जोड़ो, आपके घर डायमंड आएंगे। तो वहां पर खेतों खातों मेड़ों पर होकर जब पहुंचे उनके घर, है ना, तो डायमंड तो भाई आम आदमी तो होता है डायमंड, बस कपड़े तो अच्छे पहना होगा, है ना। तो जब उनके घर पहुंचे बोले जे कैसे डायमंड, ये तो खेतों में घूम रहे हैं डायमंड, है ना, मोटरसाइकिल में घूम रहे डायमंड। तो बोले डायमंड और कैसे होते हैं, ऐसे ही तो होते हैं। अरे मैंने सुना है वो एक बंदे और हैं, वो भी डायमंड है, वो होटल में रुकते हैं। बोले अच्छा, और सब लोग वहीं से जाते हैं, कार से नीचे नहीं उतरते। तो मैंने, बात तो तुम्हारी सही है भाई, होटल में हम भी रुकते हैं, कार से नीचे नहीं चलते, मगर अगर हम होटल में रुके रहेंगे, कार में ही रहेंगे, तो नीचे रूट लेवल पर अगर मदद नहीं होगी और ये नया क्षेत्र है तो कैसे काम होगा। इसलिए हमने डायमंड तो है लेकिन डायमंड का पट्टा घर रखा हुआ है, और थोड़ी देर के लिए हम भूल गए हैं कि हम डायमंड हैं, क्योंकि अगर हमारी मेहनत करने से एक लीडर अगर डायमंड बन जाएगा तो इससे अच्छी बात कौन सी हो सकती है। बोले नहीं हमारे डायमंड तो ऐसे रहते हैं। तो मैं बता दूं कुछ जानकारी के लिए, आज उस डायमंड की वहां टीम नहीं है, लेकिन हमने रूट लेवल पर काम किया, आज हमारी 25,000 की वहां पर टीम है। ऐसे ही गुजरात में भी करते हैं, महाराष्ट्र में भी करते हैं। मेरे तो मैं बता दूं आपको, काम तो मैं करना आप सीखा हूं, असली काम अब बढ़ेगा मेरा, सीधा बहुत तेज से काम होगा और सीधा यूनिवर्सल क्राउन से बनूंगा, और महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल सर और माधव गुरु जी के माध्यम से मैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर की बेल्ट को पहनूंगा। पूरी तरह से जिंदगी सेट हो गई मेरी, है ना। ऊपर वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शायद ऊपर वाला मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं देता, उसमें प्रॉब्लम मेरे को लग रही थी, वो प्रॉब्लम नहीं मेरे की प्रोसेस थी, और जो व्यक्ति प्रोसेस से नहीं गुजरता वो आदमी आगे नहीं बढ़ता, है ना। कहते नहीं है सब लोगों के माध्यम से सुना है, सोना जितना तपेगा उतनी ही चमक आएगी, जो आदमी तपने को तैयार है उसी में चमक आएगी, है ना। बस मैं सर लोगों की बात कभी नहीं काटी, सर लोग बताते हैं सुना भी है, अपलायन की बात कटी और दुर्घटना घटी, है ना, जैसे ट्रकों पे लिखा होता ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, है ना। तो यहाँ पे भी है, अपलायन की बात कटी और दुर्घटना घटी। किसी भी कंडीशन में हो सकता है शुरुआत में अच्छी नहीं लगती है, मीठी दवाई से कभी बीमारी ठीक नहीं होती, हमेशा कड़वी दवाई से ही फायदा होता है। अपलायन जब कड़वी कोई भी बात बोलता है तो कहीं ना कहीं हमारे सुधार के लिए बोलता है, और उन बातों को मैंने अमल में लाया, मेरी पूरी तरह से जिंदगी बदल गई, कार घोड़ा गाड़ी बैंक बैलेंस सब कुछ बढ़ गया। आज तो मैं तो काम कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मेरी आने वाली पीढ़ी सभी सेफ शॉप में काम करेगी, सभी सेफ शॉप में काम करेगी, और बहुत कुछ मतलब पूरी तरह से जिंदगी बदल गई, मेरा रोम रोम मतलब खड़ा हो रहा है। और अभी तो सर बस काम की शुरुआत की है, बहुत बड़ी टीम बनाऊंगा, बहुत बड़ी टीम बनाऊंगा, बस मेरे को काम करने का ही जुनून है। स्टेज पर ज्यादा मैं बोलू नहीं बोलू, लेकिन मेरा काम जरूर बोलेगा, ये मैं वादा करता हूँ महागुरु जी। और बस पूरी तरह से जिंदगी डायमंड तो डायमंड ही है, जब मरकरी बन गए, अकाउंट भरा पड़ा है, प्रॉपर्टियां भरी पड़ी है। कुछ पीपीटी तो दिखाओ, कुछ अचीवमेंट की कुछ पीपीटी होंगी आपके पास? हाँ दिखाता हूँ सर, हाँ शेयर कर लो पीपीटी। देखो महेश जी की ये मतलब कितनी सिंपल तरीके से ये काम करते हैं, और आज इतना लेवल बड़े लेवल पे अचीव कर चुके हैं, 10 बार डायमंड बन चुकी है, और इनकी टीम में करीब करीब 50 डायमंड होंगे, 40 से 50 डायमंड इनकी टीम में आ गए होंगे। और आप लैपटॉप से जुड़े हैं क्या महेश जी? हाँ लैपटॉप से जुड़ा हूँ सर। तो लैपटॉप में पीपीटी खोलो, या लैपटॉप को कनेक्ट कर रहे हो इंटरनेट से? कनेक्ट नहीं कर रहा, इसमें खोला मैंने, मिनिमाइज किया था इसको।
आप दिखी सर जी? नहीं दिखी ना? नहीं आप तो फोन चला रहे हो? मैं बच्चे को बुला रहा हूँ। अच्छा हाँ अच्छा वही चलाएगा। हाँ आपने मैं बता देता हूँ आपको, बच्चा क्या बताएगा। हाँ आपने पीपीटी खोल रखी है? पहले तो ये मिनिमाइज कर लो आप इसको, ये जो जो इसका जूम का सेशन चल रहा है उसको मिनिमाइज कर लो। करता हूँ। हो गया? हो गया। हाँ तो अभी आप जो पीपीटी है आपके ओपन कर लो, ओपन कर लो। होगी ओपन सर? ओपन होगी। अभी आप दोबारा जो मिनिमाइज किया था उसको वो कर लो, वो खोल लो, ओपन कर लो, जो मिनिमाइज किया था ना जूम का उसको ओपन कर लो, जूम पे क्लिक कर दो। हो गया? हो गया। तो अभी आप एक नीचे नीचे आरा बटन दिख रहा होगा, स्क्रीन शेयर, बीच नीचे लैपटॉप में देखो आरा बटन दिख रहा होगा, स्क्रीन शेयर दिख रहा है इसमें पार्टिसिपेंट का बगल में? हाँ इधर नहीं दिखा। आरा बटन नीचे स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा जूम पे? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा सर। अरे स्क्रीन शेयर नीचे होगा, अच्छा बच्चा ही करेगा स्क्रीन शेयर, आप नहीं कर पा रहे। हाँ हाँ है? हाँ अभी कर देगा सर। अभी अभी तब तक आप एक दो मिनट और बात करो, स्क्रीन पे आपने ज्यादा फोकस किया और तब तक वो बात करो और आएगा स्क्रीन शेयर कर देगा। ठीक है आप बात करो। जी जी या फिर अपन सवाल क्वेश्चन सवाल जवाब कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तब तक वो आएगा और वो फिर स्क्रीन शेयर कर देगा। अर्जित सरकार दादा, अर्जित सरकार जी, महाकुल जी, मैं जी की टीम में आज 40 से 50 डायमंड हैं और इतना बड़ा मुकाम इन्होंने हासिल किया है, बैंक भी फुल है एकदम और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ब्याज भी आ रहा है सारी चीजें और जिंदगी एकदम खुशहाल है, तो आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। जी महाकुल जी, माहू जी कोटि कोटि प्रणाम, माहू जी बोलने का मौका दिया और सवाल महेश जी को भी कोटि कोटि प्रणाम माहू जी। तो महेश जी मेरा एक ही सवाल है महेश जी, जो आपने आगरा से जाके गुजरात में टीम बनाया तो इसका सोच कैसे बना माहू जी? मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब गुजरात में मैंने काम चालू किया तो कुछ टीम मैंने वहां की लोकल बनाई, लेकिन जब लोगों का जैसे मतलब काम चालू हुआ ना तो पहले से मैं ढेर सारी टीम में काम कर रही थी और वहां पर उस समय क्या लॉगिन बंद हो गया, अभी लॉगिन बंद हो गया तो प्रॉब्लम हो गई, अभी लॉगिन ही नहीं हो रहा, रजिस्ट्रेशन डाल रहे हैं हो नहीं रहा है ना, डीडी भेज रहे हैं जा नहीं रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैंने जैसे तैसे काम चालू हुआ अभी कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने क्या किया? महेश जी ये हाँ। ये पूछ रहे हैं कि आपकी गुजरात में इतनी दूर बिजनेस बिल्डअप करने की सोच कैसे आई मन में, ये पूछ रहे हैं। वो सोच तो मेरी ऐसे आई कि मेरे को लोगों का तो बसों का तो काम ही नहीं मिल रहा, मेरे को काम तो मिल गया, दूर पास से क्या फर्क पड़ता है, अच्छा है तो इंडिया के अंदर ही नहीं। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी मैडम ने ये नहीं बोला कि यार इतनी दूर जाके क्या करोगे, तुम इधर ही रहो आगरा में ही करो ना जो करना है। मैडम मैडम को तो वैसे पैसा चाहिए, घर में कोई कमी ही नहीं है, है ना, पैसा इतनी भरमा रहे है कि मैडम तो बोले घर मतलब आने की जरूरत ही क्या है, दाम कमाओ, क्योंकि पहले हम इतने घर रह चुके हैं, घर रह के हमने क्या कर लिया, घर रह के क्या किया, कुछ नहीं, लेकिन बाहर निकल गए तो हो गया काम। अच्छा सरकार दादा और कोई सवाल पूछना? जी महाकुल जी और कुछ पूछना? नहीं महाकुल जी सवाल तो बहुत सारे है, चलो अभी नहीं पूछना, तो आप विश्वास दादा कुछ सवाल पूछना? जी जी महाकुल जी और किसी को पूछना सोच के रखे, बाद में हाथ खड़ा करना मैं बात करूंगा, और महेश जी जैसे स्लाइड शेयर हो जाए मेरे को बताना। महाकुल जी प्रणाम, महाश जी को भी प्रणाम, जय हो। महाश जी को जानते भी है, महाश जी हमको भी जानते हैं। एक चीज है कि अभी आप आपको इतना प्रॉपर्टी बन गया, 40-50 डायमंड भी आपका टीम में आ गया, तो फिर भी आप जो है फील्ड का काम कर रहे हैं, आपको इस तरह से
ईगो फील नहीं होता है जो आज भी आप रोड लेवल में जो काम पे जाते हैं। हाँ आप बिल्कुल सही सवाल पूछे, लेकिन ये हमारे माँ गुरु जी नरसिंहवाल जी से मैं एक बात सीखा था कि सर बोलते थे कि जब भी एक चेक आता है ना 5,000 का 10,000 का तो चेक जब रिसीव करते हैं उसके साथ ईगो भी आती है, तो गलती से ईगो रिसीव मत कर लेना, क्योंकि अगर ईगो रिसीव हो गई तो जो भी सब कुछ बना हुआ है बेकार हो जाएगा। तो जब भी चेक आता था तो मैंने चेक रिसीव किए, ईगो रिसीव नहीं की, है ना, क्योंकि अपने आप को मैं बड़ा मानूंगा तभी तो मेरे को ईगो आएगी। भाई मेरे से बड़े बड़े हैं, मैं तो अपने से बड़ों को देखता हूँ, है ना, मिस्टर माधव महागुरु जी को देखता हूँ, मिस्टर नरसिंहवाल जी को देखता हूँ, जैन साहब को देखता हूँ, तभी तो मैं तो छोटा ही हूँ, ईगो क्यों आएगी? ईगो जब आएगी जब मैं नीचे छोटे छोटे लोगों को देखूंगा, इनसे तो मैं बड़ा हूँ, है ना, और अगर कोई आदमी परेशान है उससे मैं ठीक ठाक हूँ तो खुशी रहूंगा ना। ईगो 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 आई और दुर्घटना घटी, ईगो वाला ही तो काम नहीं कर पाता। और हमारा मेन काम तो टीम की मदद करना है, मेन काम तो प्लान दिखवाना है। अरे मेरे 4 प्लान दिखाने से किसी लीडर स्टैंड हो जाएगा, और वो स्टैंड हो गया तो डायमंड बन जाएगा जी सर। हाँ, और हमारी जड़ें तो उसी से मजबूत हो रही हैं। अगर मेरी ईगो दिखाने से उसको मतलब उसको लगे यार या तो प्लान दिखाने बोलते हैं मदद होगी और मदद तो कोई कर ही नहीं रहा, तो चला जाएगा और 4 जगह बोलेगा। लेकिन मेरे प्लान दिखाने से और उसके अगर 2 चेक आ गए तो हमेशा के लिए मोटिवेट हो जाएगा। और काम तो वही करते हैं, हम तो केवल साथ हैं, चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, बस जाके यही तो करना है। ईगो नहीं रखनी है सर, किसी भी लेवल पे ईगो नहीं रखनी। बहुत बढ़िया। मोबाइल करवाकर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। महागुरु जी की जय हो। महागुरु जी जय हो। मैं सर से पूछना चाहता हूं कि सर आपने जो प्लान दिखाते थे उस समय सर 1x1 ज्यादा करते थे या आप वेन्यू का पर ज्यादा फोकस किए सर? हमारा संडे संडे हम वेन्यू बुलाते थे, बाकी के 4-5 दिन तक हम 1x1 करते थे। जी 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 महागुरु जी, मतलब हम एक भी दिन बैठे नहीं, प्लान तो पर डे, संडे वाले दिन वेन्यू पे आ जाओ। जैसे किसी को घर पे समझ में नहीं आया, एकदम समझ में नहीं आता था, तो हम घर पे प्लान दिखा दिया, एक तरह से कच्चा आदमी हो गया वो। अब उनको ज्यादा लोगों को देखना है, संडे को वेन्यू पे आ जाना, तो संडे को वेन्यू पे बुला लेते थे, तो वेन्यू पे इतने लोगों को देख के उसको विश्वास हो जाता था। जी सर, थ्री फीट में जो प्लान आपने दिया उसको 1x1 ज्यादा किया, उसको भी वेन्यू में ही ज्यादा फोकस किया? नहीं नहीं, उसको ऐसे जैसे 3 फीट में तो हमारी मजबूरी थी प्लान दिखाना, क्योंकि अगर हमको ऐसा लगता था अगर मैं प्लान नहीं दिखाऊंगा तो फिर मेरे जो मैंने जो कर्जा लिया वो कैसे चुकेगा। और हमने ट्रेनिंग में सुना था गुरुजी के माध्यम से कि 3 फीट का जो बंदा आता है वो भगवान का भेजा वो डायमंड होता है, तो मेरे को वो बंदा नहीं वो डायमंड दिखता था, और रियली में वो डायमंड ही निकले। मिस्टर गणेश पाल जी मेरे को ट्रेन में मिले तो मेरे को डायमंड ही दिख रहे थे, आज वो ट्रिपल डायमंड है ना। मिस्टर सुनील जी मेरे को रास्ते में मिले, वो भी ट्रिपल डायमंड है। मिस्टर परशुराम जी मेरे को मिले ऐसे चाय के होटल मिले, आज वो भी बहुत बड़े लेवल पे हैं। और भी मेरे को कई लीडर मिले हैं, तो कोई गोल्ड है पर्ल है, और आज भी मैं अगर कोई मेरे को मिल जाए मेरी बगल वाली सीट पे बैठा है तो पक्का मैं उसे इनवाइट करता हूँ, प्लान भी दिखाता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई तो बात करनी करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरा आज भी काम जा रही है प्लान दिखाने का और इनवाइट करने का, आज भी प्लान दिखाता हूँ किसी ना किसी को। पुरुषोत्तम जी क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछो जी। महागुरु जी को सशक्त नमन है और महेश महागुरु जी को भी सशक्त नमन है। शुरू शुरू में जब बिजनेस ज्वाइन किया था तो सर का वीडियो दिखा दिखा के हम लोगों ने भी आर्मी हॉस्पिटल में बहुत सारा डीडी निकाला है, महागुरु जी का वीडियो दिखा के। सर एक चीज पूछना चाहूंगा सर, जो अदर स्टेट में जब हम कोई बिजनेस को बिल्डअप करते हैं तो सर क्या क्या करना पड़ेगा सर उसके लिए? अदर स्टेट में, अदर स्टेट में जब आप बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले क्या है, वहां पर कमरे रुकने की व्यवस्था बनाओ, रूम वगैरह लो, है ना, क्योंकि रुक के मदद ज्यादा होती है। कहीं पे भी आप लग के 3-4 महीने रुक के मदद करेंगे ना तो अच्छे से काम होगा, विश्वास बढ़ जाएगा। दूसरी बात, गुजरात में बताऊं आपको कि जब शुरुआत हमने काम की थी तो वहां पर लॉगिन बंद हो गया था, तो जब लॉगिन नहीं हो रहा था डीडी तो लगातार आ रही है ना, तो पैकेज कैसे पहुंचेंगे? तो हम लोग क्या करते थे, हम उन पैकेजों को आगरा मंगाते थे, आगरा पैकेज मंगाते थे और फिर यहां से गुजरात देने जाते थे। जैसे हमारे पास 10-12 पैकेज हो गए, आगरा से मथुरा ले जाना और मथुरा से ट्रेन बैठ के फिर गुजरात ले जाना बड़ौदा, और वहां जाके बोलते देते थे घर घर पैकेज। तो लोग बोलते थे अरे तुम आगरा क्यों मंगाते हो? तो हमने से ये नहीं बोला कि कोई रात में लॉगिन बंद हो गया है, तो फिर वो भी निगेटिव बोलते, हमने उनसे बोला आगरा में जल्दी आ जाते हैं,
और इसलिए हम लोग आपको यहाँ पर घर घर पहुंचा, इसलिए आगरा मंगाते हैं। तो हम लोगों ने सर 1.5 साल तक, जब तक लॉगिन बंद रहा तब तक आगरा पैकेज मंगाते थे और वहां गुजरात में देने जाते थे। हमने अपनी टीम को, हाँ टीम को मतलब सुविधाएं दी, पूरी सेवा दी है। हाँ ओके, संजय यादव जी के मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, पूछिए संजय यादव जी। बाबू जी एक सवाल है पूछना चाह रहा हूँ मैं कि जो टीम बनी उनको बाबू जी टिकाया कैसे? टीम बनी टिकाया कैसे? टीम जो हमने बनी है उसमें हमने सिस्टम का सहारा लिया, हमने सिस्टम का सहारा लिया, अपने अपलाइन का सहारा लिया और ये ट्रेनिंग का फंक्शन का इन सब का सहारा लिया। उसने विश्वास दिलाया, हम जो बोलते थे वो करते थे। हम ऐसे नहीं बोलते थे फोन पे मैं आ रहा हूँ मैं आऊंगा, ऐसे नहीं, हम पहुंच जाते थे। हम अपने लीडर को स्थिति देखते थे, उसकी स्थिति डाउन चल रही है और उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, हमको लीडर बुलाते नहीं, हम खुद पहुंच जाते हैं वहां। और जब उन्हें लगता है कि इनके, जब ये यहाँ पे कुछ बन गए हैं तो इनके सारे में हम अगर लगे रहेंगे तो हम भी बनेंगे। विश्वास, मदद की भरपूर, जितनी हम पे आती थी हमने उससे ज्यादा की। टीम की बस मदद ही तो करना है, हमारी भी तो, हमारी अपलाइन ने मदद की। और टीम के साथ जो व्यवहार कैसा रखा, मतलब व्यवहार दो ही चीजों की वजह से तो टीम टिकती है, एक तो उनके साथ व्यवहार अच्छा हो जाए, दूसरा उनको सिस्टम से अटैच कर दे। तो महेश जी का व्यवहार हमेशा अपने छोटे भाई जैसे या बड़े भाई जैसे व्यवहार करते हैं हमेशा टीम के साथ, कभी किसी टीम को कोई ईगो या कोई ऐसी बातें या ऐसा वादा नहीं करते जो ये नहीं कर सकते उनको। तो लोग एक बार इनसे जुड़ गए तो जुड़े रहते हैं परमानेंट, सही है। और कुछ दिमाग में आ रही है प्रतीक जी, क्या क्या दिमाग में आ रही है आपके सवाल? थैंक यू महागुरु जी, बोलने का मौका दिया। महागुरु जी मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी जिसे महेश सर से एक सवाल पूछना चाहूंगा सर, कि जब हम नए स्टेशन में काम करते हैं तो जो नई हमारी लिस्ट होती है, नई लिस्ट जो हम बनाते हैं 3 फीट के अंदर, तो लिस्ट बनाते आप फर्स्ट में ही 1 by 1 में प्लान दिखाते थे या डायरेक्ट वेन्यू में इन्वाइट करते थे सर? नहीं नहीं, मैंने बताया ना बेनू, तो जैसे कहीं पे नई जगह काम करते हैं तो बेनू एकदम स्टार्ट तो होता नहीं है ना, तो शुरुआत में तो हम बनवाई बनी करते हैं। जब हमारे 20-25 की टीम हो जाती है फिर कहीं बेनू स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी के घर पे हमने बुला लिया, 4 से 10 लोग वहां हैं तो वहां पर 4 से 10 लोग इकट्ठा प्लान दे दिया है ना, फिर दूसरे के यहाँ दे दिया और ज्यादा लोग हो गए तो फिर बेनू क्या करते थे, ज्यादा किया। जहाँ पे सर वेन्यू पहले से चल रहा है लेकिन वहां पे हम नई लिस्ट बना के अगर किसको इनवाइट करना फायदेमंद रहेगा या 1 by 1 डायरेक्ट उसको पहले फर्स्ट में प्लान दिखाने फायदा रहेगा? ऐसे तो जहाँ पे बेनू पहले से चल रहा है वहां का फायदा लिया जाए, लेकिन मेरे को बताऊं मैंने कहीं पे भी काम किया तो बेनू का बेनिफिट मिला ही नहीं, क्योंकि बेनू होता दूर और हम लोग थे वहां और ज्यादा दूर, तो इसलिए जो है हमने बनवाई बन करके अपने ही बेनू चलाए, लीडर को सपोर्ट किया और अपने बेनू चलाए हम लोगों ने। आगे पीछे नहीं हो रहा? हाँ होगा, हाँ होगा, अभी हो रहा गुरु जी? नहीं हो रहा, स्लाइड शो करना पड़ेगा, स्लाइड शो करो ना, स्लाइड शो करके और फॉरवर्ड करने वाला पीछे करने वाला बटन दबा के करो। हाँ अभी आ गई है? अभी भी नहीं आई, यहाँ दिख रही है स्लाइड, तो आपका स्क्रीन तो खुला हुआ है लेकिन स्लाइड आगे पीछे नहीं हो रही है। अच्छा तो बच्चा भी नहीं कर पा रहा क्या? हाँ वो भी लगा है। स्लाइड अभी ऐसे हो रही है, अभी हो रही है आगे पीछे? हाँ हो गई, हो गई, हो गई, हाँ हाँ हो गई, हो गई है, दिख रही है, आप भी बात कर सकते हैं स्लाइड देख देख के। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये देखता हूँ कि मेरे को अभी इतना नहीं आता लेकिन फिर भी मैं इस बिजनेस में जो है कुछ उसमें कहीं ना कहीं तो पहुंच ही गया है ना, लेकिन और अच्छी तरह से पूरी तरह से सीख जाऊंगा तो और जाना क्या होगा है ना। लेकिन मेरा थोड़ा सा इन चीजों पर क्या, मेरा फील्ड में काम किया है और लोगों के साथ मेहनत की है और लोग भी एक से एक एक्टिव मिलते चले गए, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऊपर वाले परमपिता पनवेश्वर को। बहुत ही बात सौभाग्यशाली हूँ जो कि मेरे को ये मुकाम और ये सब कुछ मिल रहा है और आप जैसे अच्छे अच्छे साथियों से बोलने का आज मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
इससे आगे नहीं बढ़ रही। हाँ तो मैं सभी अपलाइन हमारे मिस्टर राजीव चतुर्वेदी और हमारे नस्सी ग्रेवाल सर, माधव सर, संजय जैन सर, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिनकी वजह से, क्योंकि मेरे को एक ऐसी रास्ता मिली, जैसे कहते नहीं है कोई पुल होता है पुल और नीचे नदी बह रही है, तो अभी क्या है कि पुल पे हम दौड़ कर निकल जाते हैं, लेकिन वो हम इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि हमें वहां डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि वहां पर रेलिंग होती है ना। हालांकि रेलिंग का कोई वहां पर ज्यादा वो नहीं है, अगर रेलिंग से टकराएंगे तो सीधे नीचे गिरेंगे, लेकिन रेलिंग को देख के ऐसा लगता है मतलब कि हमारी सपोर्ट खड़ी हुई है ना, और हम दौड़ के निकल जाते हैं। तुम्हारी अपलाइनों ने यही किया, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग हमारा ये काम नहीं करते तो हम अच्छे से इसमें दौड़ नहीं पाते, आप लोगों की वजह से दौड़े। और मैं चाहता हूं कि जैसे आप लोगों ने मेरी हेल्प की है उससे भी ज्यादा मैं अपनी टीम की हेल्प करूं, ताकि मेरी टीम में जितने भी एसोसिएट कहीं से भी जुड़ रहे हैं मैं उनको भी यहाँ पे जो भी वो ड्रीम लेके आए ताकि वो भी अपना ड्रीम पूरा करें, मैं सबकी मदद कर सकूं, ऐसा मैं ही बनना चाहता हूं। शुरुआत में सेफ सॉप में जुड़ने से पहले मेरी ये स्थिति थी, मैंने बताया था किसी कारण की वजह से फिरोजाबाद में मेरे साथ घटना घटी और मैं वहां से आगरा निकला, और उस समय तो बुरा लग रहा था, घटना घटी थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोसेस था इधर आने का, तो ऐसे आया। ये मेरी सिलाई की दुकान है और टेलर का काम करता था, और टेलर करते करते इसी को मतलब सेफ सॉप मेरे को मिला, और सेफ सॉप में जब मैं मेरा गोल्ड लेवल बन गया तो जी मेरी फैमिली के साथ फोटो है। पहले तो कपड़े भी ठीक ठाक नहीं पहनते थे, लेकिन इसमें बिजनेस ने मेरे को टाई बांधना सिखाया, कोट पहनना सिखाया, पहले चप्पल में रहते थे, जूता पहनना सिखाया, मैं जो भी कुछ सीखा वो सेफ सॉप में आकर सीखा, उससे पहले मेरे को कुछ भी नहीं आता था, फोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, है ना। और लैप मतलब अभी इस बिजनेस की वजह से जब ये बड़ा लेवल है तो एप्पल का लैपटॉप भी है, बड़ी बात होती है मतलब किसी गरीब आदमी पे ये चीज होना, है ना, लेकिन सेफ सॉप के टाइगर है तो हो गई होगी। और शुरुआत में ये क्यूएसी बना, मेरा मान सम्मान हुआ, मैं सिल्वर बना, है ना, हमारे महागुरु जी संजय जैन सर ने मेरे को मान सम्मान किया, जरा ट्रेनिंग में मेरे को नागपुर जाने का मौका मिला, जिंदगी में पहली बार रेशन करा के मैं नागपुर गया, है ना, उससे पहले तो कभी कभार वैसे तो कहीं जाते नहीं थे, होली दिवाली कहीं ससुराल वगैरह चले गए, लेकिन जनरल बोगी में जाते थे, है ना, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से रेशन करके बाहर जाने का मौका मिला, नागपुर घूमकर आए, और जब सिल्वर स्टार बना तो महागुरु जी नस्सी ग्रेवाल जी के माध्यम से मेरे को सिल्वर स्टार का प्रमोशन मिला, और देखो शुरुआत में कैसे थे, है ना, और अभी पूरी तरह से जिंदगी बदली, सर का हमको आशीर्वाद शुरू से ही मिला है, शुरू से ही सपोर्ट मिला है, और ये फिर हम एक बाइक अचीव की, गोल्ड बना, गोल्ड में मैंने बाइक ली थी, और फिर मेरे को गोवा की भी ट्रिप मिली, एक बार गोवा घूमने गया, लैपटॉप खरीदा, और मैं बताऊं आपको शुरुआत में, अभी तो बहुत आसान हो गया है कि हर व्यक्ति के पास एंड्रॉइड मोबाइल रहता है, और एंड्रॉइड मोबाइल से जो है आपकी काम आसान है ना, हर व्यक्ति के पास आज की डेट में बाइक है, लेकिन शुरुआत में मैं साइकिल से काम किया था, और कोई मेरे को पता नहीं था कि सुविधा भी होना जरूरी है, लेकिन मेरे को यह पता था कि काम तो हो जाएगा, मैं कर लूंगा, और मोबाइल भी नहीं था, इस बिजनेस माध्यम से मोबाइल लिया, और फोल्डर से मैं घूम घूम के 1250 की टीम बनाया, फोल्डर से टोपाज बना, बहुत बड़ी आप पहले मेरे को बहुत अभी लगता कि यार फोल्डर से टोपाज कैसे, लेकिन फोल्डर से टोपाज बना, उसके बाद मैंने यहाँ पे लैपटॉप खरीदा, और जब मैं लैपटॉप खरीदा तो मेरे को लैपटॉप भी चलाना नहीं आता था, अभी भी आप लोग देख रहे होंगे टेक्नोलॉजी ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन मैंने एक ही देखा मेहनत करने में मैं पीछे नहीं हटूंगा, जितनी भी सर लोगों के माध्यम से मेरे को मिलेगा कि ये करना है वो करना है, मैं हर वो काम करूंगा, बस मेरे को यहाँ पे भी यूनिवर्सल क्राउन मिनिस्टर बनना, मैं हर वो काम करूंगा जो मेरा सिस्टम बोलेगा, मैं हर वो काम करूंगा जो मेरी अपलाइन बोलेगी, मैं अपलाइन की जो भी बात है वो कभी वो नहीं होगी, वो एक ही बात मैंने पढ़ी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, उसके बाद अचीवमेंट मिलते चले गए, एमरल्ड बना, है ना, मान सम्मान हो रहा है, इज्जत शोहरत मिल रही है, पहले कोई पूछ भी नहीं रहा था, पहले कोई जानता भी नहीं था, है ना, ऐसे बढ़ती चलेगी लाइफ, चेंजिंग हो रही है, पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया। और एक दिन जिस सभी का जो ड्रीम पूरा होता, ड्रीम होता है सबको एक दिन डायमंड बनना, और मैं 2012 में 6 मई 2012 में डायमंड बना, और महागुरु जी मिस्टर नरसी गिरवाल जी के माध्यम से मेरे को डायमंड से मिली, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो एक ड्रीम होता है वो मेरा ड्रीम पूरा हुआ, है ना,
और उसके बाद लगातार लगातार लाइफ में बदलाव आते चले गए, ये ताज पहनने का मौका मिला और काम मैंने किया लेकिन पूरी फैमिली को सम्मान मिला, है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई आदमी 20 से 30 साल 25 साल कहीं पे भी सर्विस करते हैं तो वही सम्मान के साथ से रिहा होते हैं, है ना। ये चीज मुझे मिली और यहाँ पर मैंने काम किया, मेरी पूरी फैमिली को सम्मान मिला। आप देखिए कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, एक जैसा कोई डॉक्टर बनता है वो भी 20-25 साल पढ़ाई लगा लेते हैं, एक इंजीनियर बनता है वो 15-20 साल पढ़ाई में लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ तो अभी 15-20 साल हुई ही नहीं, जिंदगी बदल गई। आज कोई बोले डायमंड से डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कोई बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि जितना एक अच्छी सैलरी वाले लोग पैसा कमाते हैं उतना तो आप लोग टैक्स भर देते हैं, है ना। बाहर की दुनिया में इतना अच्छा काम करने का मौका नहीं है जितना यहाँ पर है, है ना। कुछ लोगों की हम लोग मदद भी कर देते हैं लेकिन बाहर नहीं हो पाती। एक ऑप्शन ये भी है कि आपका किया हुआ काम आपकी फैमिली के काम आ रहा है, क्यों कि बाहर अगर आप कोई आदमी अच्छी पोस्ट पे है और वो बाय द वे नहीं रहा तो उसके फैमिली को अच्छी पोस्ट वो नहीं मिलेगी, प्यून की मिलेगी या उनकी काबिलियत के अनुसार जो भी पोस्ट है वो मिलेगी, है ना। डॉक्टर बनने के लिए दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन एक बार यहाँ पर आपकी आप यहाँ डायमंड बन गए तो भगवान ना करे किसी के साथ कोई बेड रेस्ट वगैरह कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, है ना। आपकी फैमिली ऑटोमेटिक ही डायमंड है, आपकी मेहनत हमेशा के लिए रंग लाएगी। इसलिए यहाँ पर हर व्यक्ति को डायमंड तो अगर ज्वाइन किया है तो कम से कम वो डायमंड तो बनना ही चाहिए, कम से कम डायमंड बनना चाहिए, और फिर बाद में एक ही काम रह जाता है कि टीम की मदद करना, है ना। और बस ये कोई काम है, अरे इसमें इतना मजा आता है, बहुत मजा आता है ना, करके तो देखें। तो ये सब मौका मिला और पूरी तरह से लाइफ चेंज हो गई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जितना भी धन्यवाद दे रहा हूँ उतना कम है, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज्यादा मिला है यहाँ से। मैं शुरू में लगता था मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, शुरू में लोगों को जोड़ता था तो लोग भागते थे, लोगों को प्लान दिखाता था लोग भागते थे, रिजल्ट नहीं आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कहते नहीं है मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लेकिन आज मैं भले ही एक मीटिंग कर रहा हूँ लेकिन मेरी टीम में कहीं ना कहीं 10-10 मीटिंग हो रही होती है, है ना। मैं कहीं ना कहीं मान के चलो किसी एक व्यक्ति को इनवाइट करके कहीं प्लान दिखा रहा हूँ, मेरी टीम में 100-200 प्लान पड़े हैं। अगर बरसात का ही कहते हैं पत्थर में भी सीने चीर उगता है, और हम लोग तो यहाँ पर निराई गुड़ाई हमारे सीने लोग कर रहे हैं, पल पल पे हमारा ध्यान रख रहे हैं। बाहर की दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, यहाँ पर मदद करते हैं। हमारे अंदर काबिलियत नहीं थी फिर भी हमारी अपलाइन बोलती है अरे आप कर जाओगे, आप डायमंड बन जाओगे, लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। और बस उन्होंने ये बोलता रहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, और बस मेरे को अंदर जोश आ गया और मैं लग गया धुआंधार। और जो बात मैंने अपनी अपलायंस से सीखी कि हम तुम्हारे साथ हैं, और वही पढ़ा मैं भी पढ़ रहा हूँ, टीम से बोलता हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस जगह जगह घूम घूम के बस काम हो रहा है धुआंधार से, पूरे हिंदुस्तान में काम चल रहा है हमारे महागुरु जी के आशीर्वाद से। और पैसे के साथ साथ पूरी लाइफ चेंज हो गई, है ना, इज्जत शौहरत मान सम्मान ये बाहर की दुनिया में कहीं है ही नहीं, ये परमानेंट हो गया। ये सब लाइफ चेंज हो रही है, जिंदगी बदल रही है, और ये हमारे टीम के डायमंड है, ये ढेर सारे डायमंड है, एक से एक महंगी गाड़ियों में चल रहे हैं, सभी हो रही है जी। गणेश पाल जी ट्रेन में मिले थे, बहुत तो हाँ ढेर सारे लोग हैं, कितने दिखाऊं ये हमारे ये, अभी मैं सुनील जी के साथ जोड़ी बना के काम कर रहा हूँ। अच्छा एक फार्मूला और बताऊंगा जो मेरे को महागुरु जी ने बताया था। सुनील जी की स्टोरी थोड़ी सी ऐसी है, सुनील जी भी बहुत गरीब फैमिली से थे और 4,500 रुपए की नौकरी करते थे। तो शुरुआत में मैं अकेला ही घूमता रहता था, तो महागुरु जी एक बार मेरे को भोपाल गए थे काम से, तो बताया और टाइगर कैसे चल रहा है, तो मैंने बोला सर बहुत ही बढ़िया चल रहा है, लेकिन उस समय मेरी 1,00,000 से ऊपर इनकम थी, लेकिन डायमंड के हिसाब से आप देखेंगे कि बहुत इनकम होना चाहिए। तो सर ने मेरे को बताया कि जोड़ी किससे बनी है, मैंने अभी जोड़ी किसी से नहीं बनी, बोले टाइगर जोड़ी बनाओ। तो ये व्यक्ति है मिस्टर सुनील कुमार जी, ये 4,500 की नौकरी करते थे और इनको भी काम करने का बहुत जुनून था, सवेरे जल्दी काम करना, फिर ड्यूटी करना और फिर शाम को फिर जो है फिर 12 बजे तक रात तक काम करना, तो इतना पागलपन था इनके अंदर। तो सर बोले क्यों ना इनकी नौकरी को फुल टाइम साइड करवा के फुल टाइम किया जाए। मैं सर बिल्कुल जरूर। तो बोले कैसे करेंगे, मैं सर आप ही बताओ कैसे करेंगे। बोले 4,500 रुपए जो कमाते हैं ना इनको आप देने की जिम्मेदारी ले लो और कभी देने नहीं पड़ेंगे। तो मैं सर क्या सर बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी ले लूं और कभी देने नहीं पड़ेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सर ने बोला करके तो देख। तो मैंने सर के माध्यम से
मैंने एक बार जीत आई से बोल दिया, मैं टाइगर सुनील जी एक काम करो, कितने पैसे मिलते हैं? बोले 4,500 मिलते हैं। मैं चिंता मत करो, अगले महीने से 5,000 रुपए सिस्टम देगा। बोले कैसे देगा? मैंने यहाँ फुल टाइम आ जाओ, अगर आपके हफ्ते में 2,000 का चेक बनता है 3,000 और मिलेंगे, अगर हफ्ते में आपको 1,000 कमाएंगे 4 और मिलेंगे, और एक भी नहीं कमाया तो पूरे 5 मिलेंगे, तुम्हारे 5 की पूरी सेटिंग है। और आप महीने में तो बोले अगर एक भी नहीं आया तो आपको पूरे 5,000 रुपए महीना में मिलेंगे। और ऐसे ही गुरुजी मैंने उनको बोल दिया, बोले ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन टाइगर बहुत मेहनती था, पहले महीने में 6,000 की इनकम आई, मेरे को 1 रुपए भी नहीं देना पड़ा, 1,000 ज्यादा और आया। लेकिन उसको संकोच हो रहा कि 6,000 तो मैंने कमा लिया, सर ने तो 1 रुपए भी नहीं दिया। अगले महीने में फिर वही 5,000 की आई, अगले महीने फिर वही 5,000 की आई, और धीमे धीमे करके इनकम बढ़ गई। आज हमको इतना टाइम हो गया, सर मैंने 1 रुपया नहीं दिया। हाँ, 5,000 की बात हुई थी। वो भी बोलता है सुनील कि सर आपने पैसे नहीं दिए, लेकिन आपने काम तो करवा दिया ना। हाँ, डायमंड हो गए वो। और आज आपके उस आपने उसके आपने साथ में लग के तो उनके डीडी निकलवा के चेक कमवाए। आप नहीं कमवाते तो आपको देना पड़ता। हाँ, लेकिन अब पता था आपको कि अगर जोड़ी बन जाएगी तो बहुत दमदारी से काम होगा। और हम ये भी काम कर रहे हैं, अपनी टीम में लोगों की जोड़ी बनवा रहे हैं, जो जिसके साथ में जिसको अच्छा लगता है और वो प्यारी लगता है उसका बंदा हो, उसके साथ जोड़ी बनवाते हैं। जोड़ी बनाने से बहुत बड़ा काम होता है। हाँ, जोड़ी बनाने के क्या फायदे हैं? जोड़ी बनाने के जो फायदे हैं सर, कभी कभी हम लोग आपस में नेगेटिव होते थे, जैसे मैं कभी किसी कोई नेगेटिव बात कर रहा हूँ तो मेरे को कभी कभी डाउनलाइन ही समझाते हैं, अरे सर ऐसा थोड़ी, चिंता मत करो, अभी धुआं उठा देंगे, अभी देखो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मैं मोटिवेट हो जाता। और कभी कभी वो नेगेटिव होते है ना कोई बात को लेके, अरे सर चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ ना, और जब मैं आपके साथ हूँ, सिस्टम आपके साथ है ना, कंपनी आपके साथ है, तो फिर चिंता करने क्या बात है। तो कभी कभी ये भी होता है। और हमारा लंबा सफर रहता था, जर्नी का 2-2 दिन का ट्रेन का सफर रहता था, तो इसलिए दो होना भी जरूरी है ना। और कहीं कहीं भी हम अगर रास्ते में कोई लोग मिल जाते तो कभी कभी कोई पल्ला भाड़ी पर जाता था, हम लोग को दो है ना, एक आदमी में कोई जवाब नहीं आता दूसरा बोल जाता था। हाँ, तो इस कहीं ना कहीं फिर वो बंदा हमारे सिलेंडर ही होता है, एक से भले दो होते तो जुड़ी बना रहे हो। दो लोग होना चाहिए। स्लाइड दिखाओ, कैपिंग के चेक के दर्शन कराओ। इसमें चेक के दर्शन कैसे कराऊंगा सर, मोबाइल में है? नहीं, इसमें नहीं है, स्लाइडों में नहीं लगा के रखे। नहीं लगा कर रखे, लगा रखे नहीं लगा के नहीं रखे। तो ये सब ये मेरी टीम के नेक्स्ट डायमंड है गुरु जी, और ये सब ये डायमंड होने वाले हैं, मेरे को आम रस्ते में ऐसे मिले थे। हाँ, ये सभी डायमंड होने वाले हैं। शैलेंद्र सिंह है, कोई रात में है, रूबी बन गए। और ये हमारे ये राजकुमार जी हैं, इनको एक बार कुत्ता काट गया था, तो ये इंजेक्शन लगवाने आए थे, तो एक व्यक्ति ले आया इनको पकड़ के, और हम लोगों ने मीटिंग की थी 50-50 रुपए में, और मीटिंग इनको समझ में आ गई, और जो 50 रुपए लेके आए थे वो हमने उधर उसके ले लिए, और जो लौट के चले गए मोटिवेट हो गए, और उस दिन से काम कर रहे हैं। आज कुत्ते का इंजेक्शन आज तक नहीं लगा, लेकिन ये रूबी बन गए। अरे हाँ, और अभी इनकी पोजीशन ये है सर। अच्छा। और आसाम से अभी मीटिंग करके नाइट में ही लौटे हैं, करीब 500 लोगों की मीटिंग करके आए हैं, तो अभी नाइट में ही टूडला उतरे हैं, अभी अपने घर जा रहे होंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये हमारे रानू जी हैं, अनजान आदमी है, कैटर्स के काम करते थे कोई रात में, शुरुआत में भरोसा नहीं था, लेकिन हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये बोले, इनकी मैडम बोली, अरे पैकेज तो बहुत महंगा है, ये सूट साड़ी कहाँ से उठा लाए, और लोग तो ठगने वाले होते हैं, यूपी के तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो हमने इनको प्रगति पत्र दी थी पढ़ने के लिए, मैंने इसको पढ़ो, और इन्होंने ये पढ़ी तो ये पॉजिटिव हो गए। फिर इनकी मैडम बोलती, रात रात भर जो पता नहीं क्या पढ़ते रहते, पता नहीं कोई वैसी किताब तो नहीं ले आए, क्योंकि ये तकिया के नीचे छुपा के रख रहे थे। तो जब ये काम पर चले गए तो इनकी मैडम ने किताब निकाल कर देखी, तो किताब तो बहुत ही बढ़िया लगी, और शाम को इनकी क्लास लगाई, बोला अरे मैडम कोई बात नहीं, मैं कपड़े वापस कर दूंगा और ये नहीं करूंगा। बोला नहीं नहीं अब तो करना है। बोला क्यों? अरे ये तो बहुत बढ़िया है, जैसे करो और मेरी भी आईडी लगाओ। तो अभी जो मैडम ने की भी आईडी लगी, और दोनों ही टोपा आ जाए माँ गुरु जी गुजरात में। हाँ, टूल्स का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। टूल्स कहते नहीं है, बच्चा को पैदा होते ही उसको इंजेक्शन लगता है ना, काली खांसी का, खसरे का, टीके का। तो ऐसे ही हमारी टीम में कहीं पे भी कोई बंदा ज्वाइन हो रहा है, तो अपलाइन की जिम्मेदारी है वहां तक नीचे तक टूल्स पहुंचना, और एफआईएम के माध्यम से उसको फायदा पता होना चाहिए टूल्स का फायदा क्या है। क्योंकि अगर हम उसे 10,000 की ज्वाइनिंग ले रहे हैं और 500-600 रुपए के हमने टूल्स नहीं दिए, तो बंदा काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता।
एक आठ डी डी तो कोई आदमी फेस वैल्यू पे भी निकाल देगा, लेकिन उसको पावर ना पता होने की वजह से वो ज्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं करेगा, दो चार लोगों ने मना कर दी घर में घुस जाएगा। लेकिन उसको जब पावर पता है, पूरा विजन क्लियर है ना, और टूल्स अगर वो दे देता है और टूल्स को वो पूरा स्टडी कर लिया, भले ही छह महीने कुछ नहीं हो लेकिन उसको नॉलेज हो गई, तो अगले छह महीने में काम हो जाएगा, है ना। टूल्स का बहुत तगड़ा महत्व है, तो टूल्स का प्रमोशन तो हम दमदारी से करते हैं, इसलिए हमारी टीम जो है दमदारी से आगे बढ़ रही है सर, बहुत बढ़िया, इसी वजह से आगे बढ़ रही है। हाँ, ये टीम में सभी लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, ये गुजरात की टीम है, कोई पर्ल कोई टोपाज, तो पूरी तरह से महागुरु जी लाइफ एकदम बदल गई है। बस आप लोगों को सभी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, तो मैं शेफ शॉप में बहुत बड़ा नाम करके दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया टाइगर। एक ये बंदे मिले थे, ये दूध का काम करते थे, कहीं से भी नहीं लगता था, लेकिन कहते नहीं है भगवान का भेजा हुआ डायमंड दिखता है मेरे को तो हर कंडीशन में। और सुधार तो कहते हैं पहाड़ से जब पत्थर निकलता है तो उसका आकार ही कुछ और होता है ना, जब किसी मूर्तिकार के हाथ में जाता है तब वो किसी आकार में आता है, तब वो भगवान भी बन जाता है, हनुमान भी बन जाता है, शंकर भगवान बन जाता है। तो ऐसे मेरे को तो ऐसा लगता है कि पहाड़ का निकला हुआ पत्थर है, मिस्त्री के हाथ में आएगा तो कांट छांट होगी। तो शुरुआत में जो ऐसे थे, आज इनकी लाइफ जो ऐसी हो गई है ना। अपने महागुरु जी के हाथ में देता हूँ, अपने माधव महागुरु जी और सिस्टम की बातें बताते हैं तो सबकी, जब मेरी चेंजिंग हुई तो इनकी भी होगी। जैसे कहते हैं वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें अगर जैसे 10 साल पुराना भी कोई गंदा कपड़ा डालें और उसमें धुलेंगे तो कुछ तो असर होगा, अगली बार फिर धुलेंगे कुछ और असर होगा, अगली बार धोएंगे फिर कुछ और असर होगा, एकदम तुरंत तो कुछ नहीं होता, लेकिन लगातार करते रहते तो एक दिन जरूर हो जाता। मेरे को ये वाली बात समझ में आई। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये सभी की लाइफ चेंज होगी सर, आप लोगों आशीर्वाद से। ढेर सारी गाड़ियां हैं, किसी भी स्टेट में चले जाओ तो टीम में गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। बहुत बड़ा मुकाम हासिल हुआ है, मैं तो धन्य हो गया सेफ शॉप में आके, है ना। कहीं ना कहीं अच्छे काम किए होंगे इसलिए मेरे को ये सेफ शॉप मिली, नहीं ढेर सारे लोगों को तो समझ में नहीं आती, कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छे काम नहीं किए इसलिए उनको समझ में नहीं आती, और जिन्होंने अच्छे काम किए उनकी समझ में आ जाती है। दूसरी बात, हमको पीछे पड़ना होता है किसी भी आदमी के, क्योंकि अगर पहला प्लान दिखाएंगे हम किसी को तो पहले प्लान में हो सकता है 2 घंटे लग जाए, लेकिन जब अगला प्लान दिखाने जाओगे तो 1 घंटे में फ्री हो जाओगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ही करेगा। फिर तीसरी बार आप मिलोगे तो बोलोगे अच्छा ठीक है मैं सैलरी मिलेगी, फिर चौथी बार मिलोगे फिर बोलेगा सैलरी कहीं खर्च हो गई मैं अगली बार देखता हूँ, है ना। तो सातवीं बार बोलोगे आप उससे, बोले अच्छा ठीक है चलो कर ही देता हूँ, और छठवीं सातवीं बार तो आप अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाओगे ना तब भी समझ जाएगा पैसे लेने आया है, और अगली बार में वो पैसा तैयार रखेगा और आपको दे देगा पीछे छुड़ाने के लिए, है नहीं। तो हम कम से कम एक आदमी के 10 फॉलोअप करते ही करते हैं, बाकी बाद में फिर उससे मिलते रहते हैं, और हमारा कोई भी प्लान दिखाया हुआ बेकार नहीं गया महागुरु जी, हमारे जितने भी प्लान दिखे हैं हम सब लोग ज्वाइन हो गए, 100% हमारे रिजल्ट आते हैं 100%। और उसका कारण यही है कि हम लगातार फॉलोअप करते हैं, फॉलोअप बंद नहीं होता हमारा एंड तक। तो ये सब लोगों की लाइफ बदल रही है, और ये हमारे नेक्स्ट लीडर हैं सभी लोग, और सभी लोगों को हम लोग जो है जितने यहाँ सर अपनी ये प्रॉपर्टियां हैं, इसमें प्रॉपर्टी है अपनी और ये प्रॉपर्टी है, मैंने बताया था एक बार स्टेज बताया था कि गली में घर ऐसा बनाऊंगा जो किसी का नहीं होगा, और ऐसा ही घर बनाया है। हाँ, जो जो बोला मैंने, यहाँ पे भी अपनी प्रॉपर्टी है महागुरु जी, और ये सब दो चार बातें हैं बस आप लोगों से सीखी है, है ना। और काम तो कोई भी हो हिंदुस्तान में चलता है, जब गलत काम चलते हैं तो अच्छे काम भी चलेंगे, करने वाला होना चाहिए। एक दो बातें और हैं जो हमेशा नया काम करे आदमी, जोखिम लेना चाहिए, लेकिन आज जोखिम कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे कोई भी चैलेंज आए उनसे घबराना नहीं है, चैलेंज क्या सामने वाला मना करेगा, है ना। हमारे अंदर अगर हमने किताब पढ़ी है, नॉलेज है, तो वो सवाल कर करके थक जाएगा, और दो चार आंसर ज्यादा दोगे वो अपने साथ जुड़ जाएगा। और इसमें ड्रीम देखना है, ड्रीम तो हमको देखना भी नहीं आता, लेकिन हमारी अपलान ने हमको ड्रीम देखना सिखाया। आप गाड़ी लो, आप कार लो, आप फ्लैट लो, है ना, आप ये लो, देश विदेश की यात्रा की, है ना, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, मकाऊ, फ्रांस, ये कई जगह, पेरिस, ये कई जगह घूम घूम के आए और पूरा पासपोर्ट भर गया, फिर एक नया पासपोर्ट और बनवाया, है ना। ये कौन सा काम मिल गया, घूमने वाला। लोग घूम घूम के पैसा खर्च करते हैं, अपन घूम घूम के पैसे कमा रहे हैं। तो पूरी तरह से लाइफ सेट हो गई, और बस अभी बहुत बड़ी हमारी सोच बन गई है दूर तक सोचने की। सर लोगों ने एक बार बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि जो अमीर लोग होते हैं ना वो पहले कमाते नहीं है, पहले प्लानिंग बनाते हैं, है ना। जैसे कि मान के चलो पहले कोई जियो वाला प्लान आया होगा तो वो तुरंत दिमाग में नहीं आया, 8-10 साल पहले आया होगा, और फिर कुछ समय उसको तैयार करने में लगा होगा, और जब कोई चीज तैयार करते हैं तो इनकम नहीं आती, पैसा खर्च होता है और टाइम भी लगता है,
लेकिन जब वो चीज तैयार हो जाती है तो ना पैसा खर्च होता है ना टाइम लगता है, ओनली इनकम आती है। ऐसे ही हमारे आगरा में गैस लाइन डल रही है अदानी जी की, तो मैंने देखा है कि अदानी जी की जी गैस लाइन तो डल रही है लेकिन ना तो अभी इनकम आ रही है ना, और टाइम पूरा पूरा खर्च हो रहा है। और ये दसियों साल पहले प्लानिंग सोची होगी, लेकिन जब ये लाइन डल जाएगी तो ना तो पैसा खर्च होगा ना टाइम खर्च होगा, लेकिन हर घर से इनकम आ रही होगी, है ना। तो यही चीज है, डायमंड बनने तक शुरुआत में थोड़ा बहुत ही है मेहनत करना, और बस उसके बाद में इनकम इनकम आती है। ये सब चीज गुरु जी, बाकी सब बढ़िया है। ये सब मेरे को ट्रिप मिली है और गॉड गिफ्ट है, ऊपर वाली कृपा से सर। थैंक यू महागुरु जी, मैंने टाइम थोड़ा ले लिया। बहुत बढ़िया महेश जी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहता हूँ महेश जी के लिए एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां टाइगर के लिए।